क्वालिटी देखकर मैंने, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं दो तीन चूजे और ऐड कर लूँ, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक चूजा और ऐड कर लिया और 5 chicks हम लेके जा रहे हैं पैरट बी। अच्छा फैसला किया उन्होंने कि मैं आज पैरेट बी के चूजे लेता हूँ, ये गर्मी के कुछ 5-6 महीने में चूजा पालना आसान है, मैं चूज़ों को रेस कर लेता हूँ, आने वाले सीजन में मैं इसका खुद चूज़ों निकलवा कर आगे कस्टमर्स को सेल करूंगा। ये पैरेट बी का चूजा तो आपसे, जब जो भी बंदे ने शामू रखे हैं इम्पोर्टेड ब्लड रखे हैं, उससे लोग मैसेज में पूछते हैं यार आपको पैरेट बी का अवेलेबल है, क्योंकि जो पैरेट बी का दीवाना जो ढूंढने निकलता है वो कहता है मुझे आज ही मिल जाए, तो इसी वजह से हम लोग शिपमेंट्स भी मंगवा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान में जितने हमारे शौकीन भाई हैं उनको पैरेट बी की अवेलेबिलिटी जो है वो पूरी करवाई जाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अपने फैंसी बर्ड्स के तमाम व्यूअर्स को, हमारे यूट्यूब के पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपको मोहम्मद उमर का सलाम। और आज हमारे पास माशाल्लाह एक और एंटरप्रेन्योर तशरीफ लेके आए हैं जो कि अजीम भाई हैं, और इनके साथ में इनके जो माशाल्लाह इनका बेटा है, और ये भी शौकीन है जी, ये भी चूज़ों के इंतज़ार में था और साथ ही चूज़े जो है रिसीव करने आए। इन्होंने माशाल्लाह लाइक अराउंड 15 to 20 days पहले बुकिंग करवाई थी। आपको पता है वैसे तो पैरेट बी का चूज़ा हमारे से लोग शिकायत ही कर रहे होते हैं कि आप डेढ़ डेढ़ महीना चूज़ा नहीं देते, लेकिन अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी तो किसका दिल करता है कि आपको चूज़ा ना दे। लेकिन आपको पता है कि पैरेट बी की डिमांड एंड सप्लाई की गेम में अभी हम लोग बड़ा पीछे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बिल्कुल जीरो इस टाइम पे, आपको पता है। इसी वजह से हम लोग शिपमेंट्स भी मंगवा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान में जितने हमारे शौकीन भाई हैं उनको पैरेट बी की अवेलेबिलिटी जो है वो पूरी करवाई जाए। तो माशाल्लाह अजीम भाई ने तकरीबन ईद वाले दिन, ईद के कुछ एक दो दिन में ये चूज़े बुक कराए थे 4, लेकिन वो आज आए हैं तो उन्होंने चूज़ों की क्वालिटी देखी, तो उन्होंने एक और माशाल्लाह फीमेल पैरेट बी की ऐड की है। एक और ऐड मैंने कहा कि इस तरह नहीं आपको बता रहा कि ये कोई क्या नाम है उसका, छोटी एक क्वालिटी देख के इन्होंने सेलेक्ट किया, एक अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट ऐड होती है जब आप पैरेट बी का चूज़ा ले रहे होते हैं। तो इन्होंने माशाल्लाह शामू का काम ये कर रहे हैं और शामू का अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं, और उससे उस देखते देखते इन्होंने प्लान किया कि आगे आने वाले दिनों के लिए, फ्यूचर के लिए भी मैं तैयारी अपनी खींचूँ ताकि आने वाले दिनों में, क्योंकि पैरेट बी का चूज़ा तो आपसे, जब जो भी बंदे ने शामू रखे हैं इम्पोर्टेड ब्लड रखे हैं, उससे लोग मैसेज में पूछते हैं यार आपको पैरेट बी का अवेलेबल है, क्योंकि जो पैरेट बी का दीवाना जो ढूंढने निकलता है वो कहता है मुझे आज ही मिल जाए। तो यही वाला सीन है, इन्होंने भी इस चीज़ को एनालाइज़ किया और फैसला लिया अपना, एक बहुत अच्छा फैसला किया इन्होंने कि मैं आज पैरेट बी के चूज़े लेता हूँ, ये गर्मी के कुछ 5-6 महीने इनमें चूज़ा पालना आसान है, मैं इन चूज़ों को रेस कर लेता हूँ, आने वाले सीज़न में मैं इसका खुद चूज़ों निकलवा कर आगे कस्टमर्स को सेल करूँगा। ये किसी की बैसाखियों पर नहीं चल रहे, माशाल्लाह अपना काम खुद रन कर रहे हैं और खुद चूज़ा बेच रहे हैं। जो लोग यहाँ से चूज़ा लेके जाते हैं हम उनको सपोर्ट के लिए ज़रूर बिजनेस चेन कहते हैं कि आप हमारे साथ आएँ, हमारे साथ इन्वेस्ट करें और हमें चूज़ा बेचें अगर आप नहीं बेच सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हर बंदे को मोटिवेट करते हैं, हमें ज़्यादा खुशी तब होती है कि अगर हमारा क्लाइंट, हमारा कस्टमर चूज़े ले गया, तैयार किया और वो खुद चूज़ा मार्केट में सेल कर रहा है, तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। बेशक सस्ता थोड़ा सेल कर रहा है, लेकिन खुद सेल करें, अपनी अपनी खुद की एक मार्केट क्रिएट करें, क्योंकि हमारा जो मकसद है शुरू से, हमारा जो टैग लाइन थी वो भी थी कि टू ग्रो एंड लेट अदर्स ग्रो, हम खुद भी ग्रो करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारे क्लाइंट्स, हमारे साथ जो भाई हमारे जुड़े हैं नेक नीति से, वो भी ग्रो करें, ग्रो करेंगे तो ये कारोबार और ये फील्ड ग्रो करेगी। तो अजीम भाई आपने माशाल्लाह 5 चूज़े आज पैरेट बी लॉन्ग टेल सील के एक लेके एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर दी है, रिस्क ले लिया आपने, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो अभी सोच रहे हैं कि हमने शामू या पैरेट बी के कारोबार में आना है और डरते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह मेहर भाई बैठे हुए हैं, इनके पास आप आए, हर तरह से गाइड करेंगे। कुछ थोड़ी सी कमी मेरी थी जो माशाल्लाह बहुत सी चीज़ें इनसे सीखने को मिली हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी देखकर मैंने, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं 2-3 चूज़े और ऐड कर लूँ, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक चूज़ा और ऐड कर लिया और 5 chicks हम लेके जा रहे हैं पैरेट में, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से किए। अल्लाह पाक आपके नसीब में करे जो नेक मकसद है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जो भी बंदा रिस्क लेता है ना इस पर, आपका जो जानवरों का काम कर रहा है उसका अल्लाह पे वैसे ही बड़ा तवक्कल बढ़ जाता है। तो आपने अल्लाह पे तवक्कल करते हुए एक और कदम उठाया, अल्लाह पाक आपके नसीब में करे, आपके लिए रिस्क का सबब बनाए इंशाल्लाह, बड़ी जल्द इंशाल्लाह जब ये बड़े होंगे तो अजीम भाई से फिर आपको एक बार दोबारा कोशिश करेंगे कि मिलवाएं और इनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करवाएं, क्योंकि पहले तो हम कई एक्सपीरियंस आपसे शेयर करवा चुके हैं, यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनको पालना, बस अल्लाह पे आपका यकीन, आपका तवक्कल कायम हो और आप बर्ड्स को ऊपर मेहनत करते हो तो आप ये कारोबार बड़ी आसानी से अपनी किसी भी जॉब, किसी भी पर्सनल लाइफ के और जितने भी आपके काम हैं उसके साथ आप इस काम को लेकर चल सकते हैं। जज़ाकअल्लाह, दुआओं में हमें भी याद रखें, मिलेंगे एक और नई खूबसूरत वीडियो के साथ किसी नए खूबसूरत क्लाइंट के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्तों मेहरबान, इजाज़त, अल्लाह ने कहा।